प्रयागराज के दिघिया गांव में माँ दुर्गा का प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 21 मंदिर पर माँ दुर्गा के रथ को लाया गया और पूजा अर्चना किया गया। आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हाथ में कलश और पीले वस्त्र में माता की भक्ति में लीन नजर आई। गौड़ परिवार में कलश यात्रा के बाद दूसरे दिन प्राण प्रतिष्ठा किया गया। प्राण प्रतिष्ठा माँ दुर्गा का किया गया, जिसके लिए पहले से एक नया मंदिर का निर्माण भी कराया गया, जिसको लेकर महिलाओं और पुरुषों में उत्साह देखा गया। इसके कर्ता धर्ता व पुजारी रंजेश गौड़ सदैव आगे नजर आए, जिसमें गांव का बहुत बड़ा योगदान भी देखा गया। तो आइए जानते हैं प्राण प्रतिष्ठा होता क्या है। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ जीवन देना। इसका उपयोग धार्मिक संदर्भ में पूजा स्थल पर मूर्ति स्थापित करते समय किया जाता है। जिस भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसे गंगा जल व पवित्र नदी से जल से स्नान कराया जाता है, फिर साफ कपड़े से मूर्ति को पोंछते हैं, प्रतिमा को नवीन वस्त्र धारण करवाते हैं, मूर्ति को आसन पर विराजमान करके चंदन का लेप लगाया जाता है। इसके बाद विधिवत श्रृंगार होता है। मंत्रोच्चार के बाद प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के पहले दिन मूर्ति का नगर में विधिवत यात्रा करवाई जाती है। भगवान को भोग लगाया जाता है। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होता है, फिर भंडारे किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक न्यूज।